हेलो गाइस, नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से मैं अनुराग जी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री के 7वें चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और इससे पिछले वीडियोज़ के लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आपको जो वीडियो के लास्ट में भी लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, जैसे कुछ चीज़ें जैसे PDF कभी कभी या कोई भी चीज़ जो है आपको वहाँ से भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा के युद्ध को किस और नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध को तालीकोटा का युद्ध ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विजयनगर बहमनी संघर्ष के का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ जो है आपका हरिहर और बुक्का जो है ये दो मिलकर किए थे, तो ये इन्हीं से जो है संघर्ष शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 में आपको याद होगा कि तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट द्वितीय थे, ठीक है। यह आपके लिए VVI क्वेश्चन, इसको निश्चित तौर से याद कर लीजिए, ठीक है। जिसको मैं VVI क्वेश्चन बोलता हूँ वो तो निश्चित तौर से आपको याद होने ही चाहिए यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी गेसु दराज वंदानवाज को भगवान किया था, ठीक है, भूत अनुदान किया था। और दोस्तों, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ट्रिपल स्टार लगे वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ताजुद्दीन फिरोज जो है ये जो है सूफी गेसुदुराज बंदानवाज को जो है भू अनुदान किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले से स्थित है? तो ये जो है बेल्लारी जिले से स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, वैदिक ग्रंथों का प्रसिद्ध भाष्य सायन निम्न में से किस एक काल की में सक्रिय थे? तो यहाँ जो है विजयनगर राज्यकाल हो जाएगा, ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर का जो अवशेष है वो आपको आपका यहाँ पे देखिए कृष्णदेव राय आंसर में दे रहा है, विजयनगर कहाँ पाए जाते हैं पूछ रहा है ना। तो ये जो है लगभग अब देख लीजिए इसको, ठीक है एक बार, विजयनगर साम्राज्य जो है कृष्णदेव राय तो ये उनके राजा थे एक, ठीक है, जो प्रतापी राजा कहलाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, विजयनगर को अपनी स्थापना को लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहमनी राज्यों से, ठीक है, बहमनी राज्यों से विजयनगर का हमेशा खटपट चला चला था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर से उस पहले शासक का पहचान करें जो बहमनियों से गोवा छीना था, ठीक है, तो वो हरिहर थे, हरिहर प्रथम थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने बदीर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज स्थापना चार्य की उपाधि दी थी? तो ये जो है महमूद शाह को जो है उपाधि दिए थे, कौन दिए थे? तो कृष्णदेव राय दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, VVI क्वेश्चन है ये आपका, हम्पी तिरुवनमले चिदंबरम श्रीरंग तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? ठीक है, तो राय गोपुरम का जो निर्माता थे वो कृष्णदेव राय थे, ठीक है। और ये बहुत प्रतापी राजा विजयनगर साम्राज्य के माने जाते हैं, याद रखिएगा। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके निर्माण जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपका हम्पी में अवस्थित है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों यदि इसका इस टॉपिक का अगर डिटेल में क्लास चाहिए तो कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, मैं इसका जो है आपको डिटेल में क्लास दे दूंगा एक, ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम तो बिल्कुल लैप्स नहीं करना। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट दिग्गज जो है आपका 8 तेलुगु कवि को जो है अष्ट दिग्गज
कवि माना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो महासंघ में जो है बरार जो है शामिल नहीं थे। ठीक है, बरार जो है शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था? ठीक है, तो कृष्णदेव राय जो गोलकुंडा का युद्ध जो हुआ था वो जो है कुली कुतुब शाह से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? कुली कुतुब शाह से। कुतुबुद्दीन ऐबक मत समझना, कुली कुतुब शाह यहाँ पे है। ठीक है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगा राय का दमन किया था? ठीक है, तो गंगा राय का दमन करने वाले कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासन काल में नायंकार व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये जो है विजय नगर काल में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माफ़ कीजिए, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण किसके शासनकाल के अधीन फले फूले थे? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर राजा के जो है अंतर्गत फले फूले थे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, कृष्णदेव राय विद्वानों के संरक्षक होने के कारण उसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो कृष्णदेव राय जो है अंध्रभोज तथा अभिनव भोज की संज्ञा जो है कृष्णदेव राय को दी जाती है। ठीक है, तो कभी कभी इसको पलट के भी आपको पूछ लेगा कि आंध्रभोज या अभिनव भोज जो है किसे कहा जाता है, तो ये जो है कृष्णदेव राय को कहा जाता है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।